हेलो फ्रेंड्स, मेरे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। तो उसके लिए मैंने ये आधा किलो टमाटर लिए हैं। ये आपको पके हुए लाल रंग के टमाटर लेने हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक काट लिया है, और ये 2 हरी मिर्च काटी हैं बारीक बारीक। आप अपने स्वाद अनुसार मिर्च रख सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून जितना मैंने धनिया बारीक बारीक काटा है, और 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक काटा है। तो मसाले मैं आपको बाद में साथ साथ बता दूंगी। सबसे पहले हम टमाटर को मिक्सर जार में सबसे पहले हम टमाटर को काट के मिक्सर जार में डाल देंगे, और इसको महीन पेस्ट बना लेंगे। इसका ऐसे मोटा मोटा काट के डाल लेंगे। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, उसमें मैं 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल डालूंगी। इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देंगे। जीरा चटक जाएगा तो इसमें मैं 1 मीडियम आकार का प्याज जो मैंने बारीक बारीक काटा है वो डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को हमने ब्राउन होने तक भून लिया है, और हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। ये मैंने काट के डाला है, आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। 1 चम्मच नमक का, आप स्वाद अनुसार डालिए, और 1/2 चम्मच हल्दी का, 1 टीस्पून देगी मिर्च, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मसालों को हल्का सा भून लेंगे 1/2 मिनट के लिए। ये मैंने टमाटर की जो प्यूरी बनाई है वो भी डाल देंगे। अभी हम इसको 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए और चटनी है जो वो गाढ़ी हो जाए। टमाटर को हमने ढक कर मीडियम आंच पर बीच बीच में चलाते हुए 7-8 मिनट के लिए पका लिया है। अब ये काफ़ी गाढ़ा दिखने लगा है। अब मैं इसमें ये मैंने 20 ग्राम जितना गुड़ लिया है क्रश करके, तो आप गुड़ अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, या फिर चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप गुड़ ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 20 ग्राम लिया है। अब हम इसको और पकाएंगे गुड़ को अच्छी तरह से घुल जाने तक। गुड़ डालने के बाद हमने चटनी को 2-3 मिनट के लिए पका लिया है, या फिर गाढ़ी होने तक पका लीजिए। और इस स्टेज पर आप इसमें मीठा या फिर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो और डाल लीजिए। अब मैं गैस को बंद करूंगी। बस इसी कंसिस्टेंसी की हमें चाहिए। पहले धनिया डाल देंगे। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। चटनी तैयार हो गई है हमारी, खट्टी मीठी चटनी टमाटर की। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। अब मैं इसको सर्व करूंगी एक बॉल में। चटनी को हम 6-7 दिन तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो टमाटरों को बॉईल करके उनका छिलका उतार के फिर पेस्ट बना के भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ कच्चे टमाटरों का ही पेस्ट बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।